हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान पेडागोजी पेपर 2 के लिए, जो कि आपको 20 नंबर के लिए पेडागोजी की क्लास क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, क्योंकि अब हमारे पास तो टाइम नहीं रह गया और आपको पता है कि संडे को पेपर है। ठीक है, तो 2-3 दिन बचा है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बताइएगा, ठीक है, और बताइएगा कमेंट करके किसके फुल और फुल मार्क्स है। ठीक है, अगर आज की क्लास से 10 नंबर आता है, पिछली क्लास से 10 नंबर आता है, ठीक है, तो पूरे के पूरे आप 20 मार्क्स आसानी से अटेन करेंगे। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर देगा, जो मैं कह रही हूँ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगम कर्ताओं को प्रेरित करती, तो किस तरह से प्रेरित करेगी? आंसर होगा आपका चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। ठीक है, बनना, जब आप चैलेंज प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, पार्टिसिपेट होंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्र विधि सर्वोत्तम हो सकती है? बताइएगा, गला खराब हो गया है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्र विधि सर्वोत्तम हो सकती है? आंसर होगा एक दुकानदार को कक्षा में स्वच्छता के लिए आमंत्रित करना। ठीक है, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए, बताइए आंसर क्या होगा? भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। ठीक है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे सभी तत्व तो जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। बोध मीन्स क्या होता है? ज्ञान कराना। ठीक है, बताना उस चीज को, इंफॉर्मेशन देना, सूचित करना समाज के निर्माण करता और उनके बीच के संबंध क्या क्या है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको बताइए क्या आंसर? तो आंसर होगा सी, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं, बताइए? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे परिकल्पना करना, क्या हो जाएगा? परिकल्पना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर भारत के विभाजन पर एक परियोजना सौंपना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? देखिए, आत्मकथा प्राथमिक है, समाचार पत्र अभिलेख अभिलेखागार आपका प्राथमिक है, उपन्यास, लेकिन इनमें से कोई नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्रो, कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का सही विवरण प्रदान करता है? तो आंसर होगा यह महत्वपूर्ण सोच और कल्पना को उत्तेजित करता है, यह महत्वपूर्ण सोच और कल्पना को उत्तेजित करता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विषय पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा, बताइए? तो आंसर होगा फ्रेम उद्देश्य, मैंने उसकी रूपरेखा तैयार करना। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, पहला कदम पूछा गया कि कैसे होना चाहिए कृषि का, क्या क्या वहां पे होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राओं में सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो छात्राओं में सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यहाँ पे आंसर होगा गतिविधि आधारित शिक्षण कराना, गति आधारित विधि शिक्षा कराना, ए इज द राइट आंसर। तो ये आज के लिए 10 क्वेश्चन थे केवल, और ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए एग्जाम में देखा जाएगा, हूबहू ऐसा ही पेपर में आपको आएगा, इससे अलग पेडागोजी नहीं होती, बिल्कुल नई ये पेडागोजी थी, जो कि मैं सिलेक्ट करके कुछ मैं अपने क्वेश्चन आंसर बनाती रहती हूँ,
ये आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा किसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, फुल मार्क्स आए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।